शुगर इनको है, इंसुलिन भी लेती हैं, टैबलेट भी लेती हैं, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा रह रहा है और दिल की धड़कन भी बहुत तेज होती है। देखिए सबसे बेहतरीन ये है, रात का खाना जल्दी खाया करें, रात को देर ना किया करें और खाना चबा कर खाया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाम, उम्र, वजन, शहर? उम्र 55, वजन 12 stone और मुझे प्रॉब्लम है डायबिटीज, ऐसा हो गया है। टीके लगाती हूँ और टैबलेट भी खाती हूँ, कुछ फर्क नहीं, कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। ब्लड प्रेशर हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी है और जोड़ों का भी दर्द है, सारी बीमारियाँ बहुत ही हैं, तो इसलिए आपसे फोन किया पूछा। दिल की धड़कन वो भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा ये बताएं कि नाम क्या है आपका? श्रिया। नाम क्या है? श्रिया। श्रिया, अच्छा ये बताएं श्रिया कहाँ से कॉल कर रही है? बड़ी से। बड़ी से, प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। हमारी कॉलर सुरैया बहन, इनकी उम्र 55 है और 12 स्टोन का वजन है। शुगर इनको है, इंसुलिन भी लेती हैं, टैबलेट भी लेती हैं, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा रह रहा है और दिल की धड़कन भी बहुत तेज होती है। देखिए सबसे बेहतरीन ये है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, दूसरा है कि रात का खाना जल्दी खाया करें, रात को देर ना किया करें, खून खाना चबा कर खाया करें। तीसरा काम ये करें कि काले जौ ले लें, तकरीबन 100 ग्राम ले लें, काजू जो है 100 ग्राम काजू ले लें और आप 100 ग्राम जो है इसमें मेथी दाना ले लें, इसको आप पाउडर बना लें और रात को सोते वक्त इसे खा लें। और जब खासतौर पर खाना खाने से पहले भी एक चम्मच ये गर्म पानी के साथ खा लिया करें, इससे इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल होगी। इसके अलावा बेहतरीन नुस्खा एक और है कि आप क्या करें कि ये मेथी दाने को पानी को उबाल लें और इसके पानी को आप पी लें, ये भी बेहतरीन है, इससे भी आपकी शुगर जो है कंट्रोल हो जाएगी। और ब्लड प्रेशर के लिए भी ये मेथी दाने का पानी आपके लिए मुफीद है, आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आपके दिल की धड़कन भी जो है ना बेहतर होगी। इसके अलावा आप क्या करें, एक कावा बनाएं, वो कावे के अंदर आप जीरा डालें, सौंफ डालें और इसके साथ साथ आप उसके अंदर सूखा साबित धनिया वो डालें और उसके अंदर दालचीनी डालें और इसको जो है खूब अच्छे तरीके से उबालें। इस कावे को बनाकर आप खाने के आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह काफी फायदा होगा।